शासन की सह पर अलीगढ़ में पशु वधशालाओं को नियम विरुद्ध चलाने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है और अलीगढ़ के जो पूर्व विधायक जफर आलम साहब हैं, इनकी मीट फैक्ट्री जब आचार संहिता अलीगढ़ में लग रही थी, पूरे प्रदेश में चुनाव चल रहे थे, अलीगढ़ का सारा प्रशासनिक अमला और जनता पूरे प्रदेश की चुनावों में लगी थी, उस दौरान 1 फरवरी 2017 को इनकी मीट फैक्ट्री 3 महीने को ट्रायल पर चलाने की अनुमति दे दी गई। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के स्मृति पत्र में ये स्पष्ट लिखा था कि यांत्रिक और अवैध बूचड़खाने बंद कर दिए जाएंगे। इसके बावजूद 22 तारीख को पुनः एक रिपोर्ट और लेकर इनकी मीट फैक्ट्री को ट्रायल पर 1 साल के लिए चलाने की अनुमति दे दी गई। ट्रायल पर कोई भी फैक्ट्री 1 साल तक चलाने का औचित्य क्या है? मेरा ये आरोप है कि ये आर्थिक दृष्टि से भ्रष्टाचार का मामला है और इसकी उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए। भाजपा के कुछ नेता भी इसमें शामिल हैं, पदाधिकारी भी शामिल हैं जो कि ये मीट फैक्ट्री चलवाने में उनका सहयोग रहा है। देखिए, मैं ये तो नहीं मान सकता हूँ और ना ही राजनीति मेरा विषय है कि भाजपा के नेता इसमें शामिल होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्राध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के सांसद का इस विषय पर मौन रहना मुझको निश्चित रूप से आशाजनक लगता है। मेयर साहिबा का भी मौन रहना इसमें जो है कहीं ना कहीं समर्थन है, ये इस संबंध में मेरी कोई जानकारी नहीं है, उनका समर्थन है या नहीं ये आप लोगों को अगर जानकारी है तो आप लोग। मीट फैक्ट्री पे आपका बहुत काम है जी, लेकिन इस काम के बावजूद अलीगढ़ में एक और नई मीट फैक्ट्री खुल जाना क्या मानते हैं? प्रशासन की ये शासन की मंशा क्या है? देखिए, शासन की मंशा तो सबको मालूम है, स्पष्ट है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की मंशा क्या है ये अभी स्पष्ट नहीं हो रहा है। और निश्चित रूप से जो मीट व्यापार में जो मोटा पैसा है वो प्रशासनिक अधिकारियों की जो मंशा है उसको जो है डामाडोल करती है और उसके काम में ये सब काले धंधे चल रहे हैं। अलीगढ़ में आज भी अवैध कट्टी हो रही है, मैं लगातार प्रशासनिक अधिकारी से कह रहा हूँ, मेरे कहने पर वो एक्टिविटी दिखाते अवश्य हैं लेकिन किसी कोई भी गंभीरता से अवैध कट्टी बंद कराने का प्रयास नहीं करता। ये नई जो मीट फैक्ट्री है पूर्व विधायक की, जी समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक की ये मीट फैक्ट्री है और इसको आनंद फानंद में इस प्रकार 1 साल के लिए ट्रायल पर अनुमति देना ये निराशाजनक है और ये संभव ही नहीं है कि कोई भी फैक्ट्री ट्रायल पर 1 साल के लिए चलाई जाए।